हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि अगर आप अपनी ग्रोसरी शॉप या फिर आप अपने जो वेजिटेबल शॉप्स हैं उस शॉप के साथ साथ अगर आप दूसरी चीज़ों की भी आप इसमें सेल करना चाहें तो उसको उस तरह की वेबसाइट किस तरीके से बनाएंगे। यानी यूं मान लीजिए कि लुक लाइक फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट इसमें ग्रोसरी से लेकर हर चीज़ के आइटम्स होते हैं वहाँ पे। तो अगर आप इस तरह के अगर आइटम्स बनाना चाहें, मल्टी वेंडर बनाना चाहें या सिंगल वेंडर बनाना चाहें, अगर इस तरह का बनाना चाहें तो वो किस तरीके से बना सकते नहीं बना सकते, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। इसके जो मोबाइल का जो व्यूज़ है, मोबाइल के व्यू बहुत ज़बरदस्त है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका मोबाइल का व्यूज़ बड़ा, कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन है। और इसमें एक प्रोडक्ट्स भी डिज़ाइन बड़े अच्छे हैं, कैटेगरी के डिज़ाइन भी अच्छे हैं। आप प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। यानी आप लुक लाइक फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट प्लस ऐप अगर आप बनवाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लॉकडाउन के पीरियड में, जिस लॉकडाउन के बारे में कहा गया स्टे होम स्टे सेफ, यानी आप घर पे बैठे रहेंगे तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। जी हाँ, अगर आप इस दौरान भी आप चाहते हैं कि आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें तो इसके लिए कैपिटल टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्त ऑफर दे रहा है कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सारी चीजें ए टू जेड अवेलेबल है। ठीक, अब बिजनेस सेटअप करने से लेकर प्रमोशन करने तक फिर देर किस बात की, आज ही बुक कीजिए और पहले आइए पहले पाइए का हिस्सा बनिए। तो जी हाँ दोस्तों, आपको वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। देखिए, वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए या ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो दो से तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डोमेन, डोमेन इट मींस आपका जो वेबसाइट का जो नाम होता है वो डोमेन कहलाता है। और दूसरी चीज होस्टिंग, होस्टिंग जहां पे आपका डेटा स्टोर होता है उसको हम होस्टिंग कहते हैं। अब बात आ जाती है कि फिर बेस्ट होस्टिंग कौन सी है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए बेस्ट होस्टिंग कौन सी होगी, या ऐप आप स्टार्ट करते हैं, मार्केटिंग की ऐप बनाते हैं या फिर ई कॉमर्स की ऐप बनाते हैं तो उसके लिए बेस्ट होस्टिंग कौन सी हो सकती है। देखिए, इसके लिए बहुत सारी बेस्ट होस्टिंग आप प्रोवाइडर है। अगर आप डोमेन प्रोवाइडर की बात कर ले तो बेस्ट जो डोमेन प्रोवाइडर कंपनी है वो गोडैडी है। ठीक है, अगर बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी कर ले, जहां तक मैं अपना यूज किया हुआ एक्सपीरियंस है वो मैं ए टू होस्ट को मानता हूं। इसके अलावा ए टू होस्ट के अलावा मैंने बहुत सारी चीजों का किया है, इसमें कई एक फायदे हैं। ए टू होस्ट को अगर हम यूज करें या आप यूज करना चाहते इसके कई एक फायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल के पेमेंट मेथड, अगर आपके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं है, पेटीएम है, कुछ भी है, इसमें सारे पेमेंट मेथड आप इसमें आराम से इजीली कर सकते हैं। और ये यूएस बेस्ड सर्वर भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे एशिया बेस्ड सर्वर भी ले सकते हैं और आप अपने लोकेशन जो है अपने हिसाब से चूज करना चाहे चूज कर सकते हैं। आप इसमें से कोई भी सर्वर ले सकते हैं, चाहे शेड लें, वीपीएस लें या फिर टर्बो लें, कुछ भी लें चलेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे हर एक सेटअप पे आपको मिलेगा एसएसएल फ्री, जो एक ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है। एसएसएल एक ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इसलिए आप जब भी लें, जो भी सर्वर लें, जो भी चीज लें, वो आप देख के लें कि उसमें एसएसएल है या नहीं है। टेक्निकल जो प्रॉब्लम होती है या इस तरह से जो इशू आता है वो दूसरी चीज, इसके एक सपोर्ट, लाइव सपोर्ट है। विद लाइव सपोर्ट चैटिंग का कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो इसके साथ साथ आपको लाइव सपोर्ट भी यहाँ पे मिलने वाला है और ये आपको विद इन 2-3 मिनट्स के अंदर अंदर आपकी चीजों को सॉल्व कर देता है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरी चीज अगर इसके हमें बात करें तो इसमें डिस्काउंट भी आपको अच्छा खासा हैवी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर आप 3 साल के लिए इसको अगर ऑर्डर करें तो आपको बहुत हैवी डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि अगर आप 3 साल के लिए लें तो आपको 66% तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है। जी हाँ, 1 साल के लिए अगर आप बुक करें तो 1 साल के लिए आपको पड़ेगा यहाँ पे टोटल 6,311 रुपए पड़ेगा, प्लस इसमें जीएसटी भी इंक्लूड होगा। राइट, अगर आप इसको सीधे 36 महीने के लिए कर दें, 3 महीने के लिए करें, तो आपको यहाँ पे जाएगा सिर्फ 8,000
98 यानी 9,898 ओनली, ठीक है, प्लस जीएसटी। तो इसमें आपको हेवी डिस्काउंट मिलने वाला है, यानी 16,000 का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। इस वजह से इसको 3 साल का लेने के लिए ये ज्यादा बेटर है, अगर आप 3 साल का ले तो ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब बात कर ले दूसरी होस्टिंग की, वो रहा है ब्लू नसाइल ग्राउंड की। साइट ग्राउंड एक बहुत अच्छी होस्टिंग कंपनी है, आप यहां से कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की चीजें ले सकते हैं। लेकिन यहां का जो स्टार्टर प्लान है, अगर आप वेबसाइट के ले लेते हैं तो इनके स्टार्टर प्लान बिल्कुल ना ले। आपसे मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप वर्डप्रेस में जाके ये वाला स्टार्टर प्लान आप ले सकते हैं, या फिर ये वाला लीजिए, ये वाला अच्छा रहता है, ये वाला भी अच्छा रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे कॉस्ट थोड़ी ज्यादा जाती है, बट यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है कि विजिटर लिमिटेड है, यहाँ पे मंथली विजिटर लिमिटेड है, बट यहाँ पे साइट ग्राउंड में ए टू होस्ट में आपको ऐसा कोई शर्त नहीं है, इसमें अनलिमिटेड विजिटर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं ब्लू होस्ट की, कि ब्लू होस्ट भी बहुत अच्छी कंपनी है, बेस्ट होस्टिंग के सर्वर में आता है। यहाँ पे भी आपको जो मिलने वाला है SSL फ्री में मिलने वाला है, ठीक है। तो आप शेयर होस्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे शेयर होस्टिंग कोई से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे SSL फ्री मिलने वाला है, ठीक है। तो आप इनका भी चीज प्लान आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करें, ई कॉमर्स की एप्लीकेशन लॉन्च करें, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप डेडिकेटेड होस्टिंग ना नहीं ले पाते हैं तो, अगर डेडिकेटेड होस्टिंग ले तो बेटर है, अगर आप नहीं ले पाते हैं तो BPS होस्टिंग लीजिए। BPS होस्टिंग आप यहां से भी ले सकते हैं, ई2 होस्ट से भी ले सकते हैं। इनकी जो BPS की होस्टिंग की जो क्वालिटी है ना, बहुत जबरदस्त है, और इतनी क्वालिटी, अच्छी खासी क्वालिटी है, और आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1880 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इससे भी हमें सस्ता मिले, इससे भी बेटर से बेटर चीज हमें मिले, तो भी आप चीजें ले सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 TB मिलेगा रैम, यहाँ पे 75 GB मिलेगी स्टोरेज, और 2 TB मिलेगा ट्रांसफर डेटा, 4 कोर का है, इस बहुत अच्छे हैं, इसमें SSL भी मिलेगा, साथ साथ ये जो डेटा होगा वो SSD होगा, सी पैनल आपको मिलेगा, ठीक है, फ्री सी पैनल मिलेगा आपको, रूट एक्सेस का मिलेगा, फ्री एंड इजी साइट इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर आप बात कर ले BPS की, या इससे भी सस्ते में लेना चाह रहे, इससे कम रेंज का लेना चाह रहे, तो भी आप ले सकते हैं। इसके लिए एक बेस्ट होस्टिंग की सर जो चीजें हैं वो आपको TMD मिलेगा, TMD की भी सपोर्ट बड़ी अच्छी सपोर्ट है, आप यहां से भी बातचीत चीजें ले सकते हैं, और इसके सपोर्टेबल A2 होस्ट से फास्ट है, इसलिए मैं A2 होस्ट से फास्ट बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे सपोर्ट 24 आवर आपको मिलेगा, बट आप A2 होस्ट पे जाएंगे, A2 होस्ट पे भी आपको 24 आवर मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब इसमें ऑर्डर करें, जब इसमें कोई क्लिक करे, फौरन ये रिप्लाई करता है, ठीक है, ये चैट का ऑप्शन है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे भी चैट का ऑप्शन है, यहाँ पे भी चैट का ऑप्शन देख सकते हैं। लेकिन अगर इसकी जो खूबसूरत, इसकी जो वो है ना, सपोर्ट है ना, बहुत अच्छे हैं, ठीक, लेकिन थोड़ा कॉस्टली है, सपोर्ट इसके बहुत अच्छे हैं, कॉस्टली है। अगर आप वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं तो आप क्लाउड भी ले सकते हैं इनका, या फिर आप अपना वर्डप्रेस की वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं तो बेटर है आप यहाँ पे शेयर होस्टिंग ले, शेयर होस्टिंग आपको $55 तक में आ जाएगा। यहाँ पे एक बात यह और है कि यहाँ पे आपको डोमेन जो फ्री मिलेगा, फर्स्ट ईयर आपको .com के डोमेन आपको यहाँ फ्री मिलेगा, और स्पेस भी यहाँ पे अनलिमिटेड मिलेगा, बैंडविड्थ भी अनलिमिटेड मिलेगा, एक वेबसाइट रहेगी। अगर आप मल्टीपल वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप बेटर है कि आप बिजनेस वाला ले, ठीक है, ये लगभग 7,000 के आसपास आएगा, ये बड़ा अच्छा प्लान है, ठीक है। क्लाउड में आपको शेयर होस्टिंग आ जाएगा, या अगर आप क्लाउड में लेना चाहते हैं तो आप क्लाउड में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्लाउड में आप स्टार्टर प्लान ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आप अनलिमिटेड वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हैं, ये वाला अगर लेंगे तब क्लाउड बिजनेस लेंगे तब, ठीक है। तो आप शेयर भी लेना चाहे आप शेयर भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे थे BPS की, कि अगर आप एक अच्छा सर्वर बनाते हैं, मल्टी वेंडर की चीजें बनाते हैं, चाहे मोबाइल ऐप हो या फिर वेबसाइट हो, इस तरह से मल्टी वेंडर की चीजें अगर आप बनाते हैं तो उसके लिए बेटर है कि आप BPS लें। BPS अगर आप यहां से लेते हैं तो यहां पे आपको $19 का मिलेगा, इसमें 4 TB का वही सेम उसी तरह का A2 होस्ट का ही है, लेकिन यहाँ पे चीजें कुछ अलग है, तो यहाँ पे कुछ अलग है, ठीक है। अब इसके अलावा बात करते हैं इससे सस्ते में लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप ड्रीम होस्ट पे जाइए। ड्रीम होस्ट के जो होस्टिंग है, BPS होस्टिंग बड़े अच्छे हैं,
यहाँ पे आपको जो मिलने वाला है 1 GB रैम मिलने वाला है, 30 GB स्टोरेज है, आपको $10 पर मंथ के अकॉर्डिंग मिलने वाला है, 750 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि आपको जो मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ जो है होस्टिंग की जो रूट पैनल है उसका एक्सेस मिलेगा। यहाँ पे आपको सी पैनल अलग से बाय करनी पड़ेगी, ठीक है। तो खैर उसमें कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं जाता, अगर आप इसको बाय करना चाह रहे हैं आप यहां से बिल्कुल इजीली आप बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये तो ये दो चीजें जो हमने आपसे बात की कि एक वेबसाइट अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डोमेन और उसके लिए होस्टिंग आप लगेगा, वो आप कहां से लेंगे मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं वेबसाइट के बारे में, वेबसाइट के फीचर्स के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा डिजाइन है, अगर आप ये डिजाइन अपने ग्रोसरी शॉप, अपने वेजिटेबल शॉप के साथ साथ आपकी जो कोई दूसरे भी लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, या इस तरह से मॉनिटर है, फर्नीचर है, इस तरह की चीजें भी अगर आप बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इजिली आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें इसमें पॉसिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे टेस्टिंग डेटा भी रखा हुआ है, इसमें आप अपनी यहाँ ग्रोसरी का आइटम भी डाल सकते हैं, जिस तरह का आइटम डालना चाहे डाल सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जब कस्टमर, आपका जो कस्टमर इस प्रोडक्ट के बारे में रेटिंग देगा तो पहले ही आपको रेटिंग दिखेगा, लुक लाइक फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट आप जब ओपन करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि फर्स्ट प्रोडक्ट, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करें, कोई भी किसी तरह के प्रोडक्ट आप ओपन करें, वहां पे उसको रेटिंग दिखेगा। कोई भी कैटेगरी के प्रोडक्ट ओपन कर लीजिए, आपको हर एक प्रोडक्ट पे रेटिंग मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए इस तरह के ये प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, आपको यहाँ पे रेटिंग दिखाई देगा, ठीक है। सेम इसी तरह का वहां पे भी आपको रेटिंग दिखाई देगा, कौन अच्छे प्रोडक्ट्स हैं नहीं है। खैर इन्होंने फ्लिपकार्ट लग रहा है चेंज किया है, पहले ही रेटिंग भी दिखाई दे रहा था लेकिन अभी इसमें रेटिंग दिखाई नहीं दे रहा। खैर यहाँ पे आपको रेटिंग दिखाई देगा जो एक पॉजिटिव व्यूज आता है हर एक क्लाइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये इसका जो होम पेज है बड़ा खूबसूरत सा पेज है, इसको अपने हिसाब से आप कस्टमाइज करना चाहे आप कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगर हम इसके मोबाइल व्यू की, कि इसका मोबाइल व्यू किस तरह से दिखेगा, इसकी जो कैटेगरी है, कैटेगरी के पेज किस तरह दिखेंगे। तो ये कैटेगरी के पेज हैं, यहाँ पे आप अपने कैटेगराइज को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं, आप इसको दोनों तरह से कर सकते हैं, ग्रिड भी देख सकते हैं और लिस्ट भी देखना चाहे देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम उसी तरह जिस तरह से आपको फ्लिपकार्ट में है, फ्लिपकार्ट में भी अगर आप देखना चाहेंगे तो आप यहाँ पे लिस्ट भी देख सकते हैं और साथ साथ आप यहाँ पे ग्रिड भी देखना चाहे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे ये है, ये लिस्ट की मिसाल है यहाँ पे, और इससे पहले अभी जो मैंने आपको दिखा रहा है ग्रिड है, ठीक है। तो दोनों तरह की चीजें कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं सिंगल प्रोडक्ट्स की, सिंगल प्रोडक्ट्स के व्यूज भी बड़े अच्छे हैं और देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है, इसमें खूबसूरत सा एक डिजाइन है। सिंगल व्यू का कोई भी आप प्रोडक्ट ओपन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी प्रोडक्ट को ओपन कर देख सकते हैं। इसका जो व्यूज है ना बड़ा खूबसूरत सा है, और बगल में आपको ये जूम करके दिखा देगा कि कितना है, अच्छा है, बुरा है, क्या है। इसमें आप मल्टी प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अपना क्वालिटी चूज कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट करेंगे, उसके बाद इसको जो आप चेकआउट पर क्लिक कर लेके चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो रेट वगैरह है शेयर करने का, व्हाट्सएप में भी आप शेयर करना चाहे बिल्कुल इजिली शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शेयर करने का बटन दिया हुआ है इस पर, अब बिल्कुल इजिली आप इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसका चलिए मैं इसको ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। ऐड टू कार्ट करने का ये आ गया आपका ऐड टू कार्ट पे। अब इसको चेकआउट करने का जो पेज है वो भी बड़ा जबरदस्त है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर 1 by 1 का आएगा, सेम एज इट इज, उसी तरीके से जिस तरीके आपका फ्लिपकार्ट का चेकआउट का है। तो फ्लिपकार्ट में क्या है कि यहाँ पे आप जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो वो क्या है चेकआउट पे लेकर आ जाएगा। इन्होंने क्या करा, सबसे पहले इनका काम क्या है कि आपको यहाँ पे लॉग इन कराएगा, सेम एज इट इज इसी तरीके से इनका सबसे काम यह है कि आप पहले लॉग इन करें या फिर आप साइन इन करें, दोनों चीजें, चाहे आप यहाँ पे साइन अप कर लें या फिर यहाँ पे लॉग इन करें, एज ए गेस्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जबकि आपके फ्लिपकार्ट देखेंगे तो फ्लिपकार्ट दो ही ऑप्शन है, या आप लॉग इन करो या आप उसको करने में कंटिन्यू अपना नया अकाउंट बनाओ, ठीक है, साइन अप करो। इसके बाद यहाँ पे 3 मेथड और हैं, यानी टोटल मेथड अगर फ्लिपकार्ट में देखें तो 4 हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी टोटल मेथड जो है 4 5 के 5 हैं, 6 हो रहे हैं इंक्लूडिंग
आपका ये साइन अप के, ठीक है। तो यहाँ पे छह इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे डिलीवरी का ऑप्शन दिया हुआ है, बिलिंग का भी दिया हुआ है और डिलीवरी डिटेल भी दिया हुआ है, इसलिए एक थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से एज ए गेस्ट ही हम यूज को रन करते हैं। यहाँ पे हमने एज ए गेस्ट रन किया, यहाँ पे हमारा बिलिंग इन्फॉर्मेशन आ गया। ये बिलिंग इन्फॉर्मेशन इस तरह से आप आराम से इसको फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आगे का जो मेथड है वो ये है रेट का, यहाँ फ्लैट रेट यानी शिपिंग चार्जिंग का भी यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख जाएगा। अगर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट डिफरेंट शिपिंग चार्ज रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर कोई नोट लिखना चाहता है तो नोट भी लिख सकता है, जो वो फला जगह शिपिंग करे या इस टाइम शिपिंग करे, कुछ भी लिखना चाहे लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आप फ्री रखना चाहें तो फ्री भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आ गया पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड में कैश ऑन डिलीवरी इस वक्त है, आप जो भी चाहे यूपीआई पेटीएम क्या नाम है भीम या जो भी आप पेमेंट मेथड लगाना चाहें, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेपाल, ऑल थिंग्स जो भी आप पेमेंट गेटवे लगाना चाहें यहाँ पे आपका पेमेंट गेटवे शो हो जाएगा। अभी यहाँ पे फिलहाल कैश ऑन डिलीवरी है, ठीक है। इसके बाद हम इसको क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपका ये ऑर्डर आ गया। ऑर्डर की ये पूरी डिटेल है, अब आप उसको क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे, राइट। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो ये ऑर्डर आपका डन हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो गया ऑर्डर प्लेस, ठीक। ये तो रही पूरा जो फंडा है, ये रही वेबसाइट की। अगर हम इसकी बात कर लेते मोबाइल व्यू की, तो मोबाइल व्यू भी इसका लाजवाब है। इसलिए लाजवाब है कि वेबसाइट जो है रिस्पॉन्सिव है और ये 100% रिस्पॉन्सिव। अब यहाँ पे देखेंगे इसको, ये मोबाइल में इसकी खूबसूरती है इस तरह की। आपको अगर मोबाइल व्यू देखेंगे तो ये इस तरह का आएगा, ठीक है। अगर ये चीज आपकी कैटेगरी में इस तरह से आ जाएगा, ये बड़ा खूबसूरत सा व्यूज दिख रहा है, ठीक है। आपका ये हर प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दो दो दिखेगा, ये आपका दिख रहा है। आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट्स को क्लिक करें और यहाँ पे आपको ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका मोबाइल व्यू इससे अट्रैक्टिव बनाए, बिल्कुल आप बना सकते हैं, यानी आप इसी के साथ मोबाइल ऐप भी बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इजीली बना सकते हैं, बनवा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या है कि आपको ये डिजाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये डिजाइन अगर अप्लाई करेंगे आप इस पे, ये मोबाइल के लिए बड़ा अच्छा लुक एंड फील है। इसको हम इस पे, इस वाले जो होम पेज है, जब कोई वेबसाइट में ओपन करेगा तो इस तरह का दिखेगा, जब कोई मोबाइल में ओपन करेगा तो इस तरह का दिखेगा होम पेज, ठीक है। तो हम इस तरह से भी मोबाइल पेज को डिजाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे कितने खूबसूरत से कैटेगरी का पेज है, यहाँ पे सर्च बार है, यहाँ पे आपको व्यू टू कार्ड है, माय अकाउंट है, ये बड़ा खूबसूरत सा डिजाइन है, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके होम पेज की। पहले होम पेज में आप यहाँ पे अगर आएंगे तो होम पेज में आप देखेंगे कितना खूबसूरत से कैटेगरी, शॉप बाय कैटेगरी, कैटेगरी का जो पेज है तीन तीन करके दिख रहा है, बड़ा खूबसूरत सा दिख रहा है। अगर आप दो रखना चाहें दो भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट्स के पेज जो है वो दो दो दिख रहे हैं, बड़ा अच्छा और खूबसूरत सा दिख रहा है। इस तरह से आपको यहाँ पे एड वगैरह लगाना चाहे लगा सकते हैं। सेम एज इट इज वही तरीका है जो तरीका आपको फ्लिपकार्ट में है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा और खूबसूरत सा डिजाइन दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे आपको एक चीज और मिलने वाला है कि आप लैंग्वेज अपने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, चाहे आप अरेबिक सेट करें, या फिर अगर आप अरेबिक सेट करेंगे तो ये अरेबिक में आ जाएगा, ठीक है। या अगर आप उर्दू सेट करना चाहें, कोई भी लैंग्वेज सेट करना चाहें तो उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ढल जाएगा। कोई करेंसी ऐड करना चाह रहे हैं, कोई करेंसी ऐड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सैंपल के लिए भी दिया हुआ है, तो अभी मेरे केस में यहाँ पे अभी इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश को लेकर चलता हूं। तो ये तो रही कि इसके मोबाइल के होम पेज की बात। अगर आप इसकी बात कर लें कैटेगरी पेज की, तो कैटेगरी पेज भी इसकी बहुत खूबसूरत सा कैटेगरी पेज है, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे कि कैटेगरी पेज भी आपको बड़ा अच्छा और खूबसूरत सा दिख रहा है, ठीक है। हर एक कैटेगरी पे आप एक अपना एड लगा सकते हैं, ये एज एड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये उस तरह की चीजें आप लगा सकते हैं, देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा दिख रहा है डिजाइन। अगर आप इसकी सिंगल पेज की बात कर लें तो सिंगल पेज भी बहुत खूबसूरत है, लुक लाइक सेम वही तरीका जो फ्लिपकार्ट का है। अगर आप फ्लिपकार्ट में ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे अगर मोबाइल में ओपन करें, क्योंकि ये 100% ये जो व्यू है ये मोबाइल पे नहीं है। अगर आप मोबाइल पे ओपन करेंगे तो फ्लिपकार्ट का जो लुक एंड फील है ना, वो बिल्कुल उसी तरह का दिखेगा जो उनके ऐप में है, ठीक है। तो ये वेबसाइट इनका क्या नाम है, रिस्पॉन्सिव नहीं है क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट है। तो खैर इनका जो मोबाइल के जो व्यू बनाया हुआ है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो खैर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एड टू कार्ट की और दूसरे बाय नाउ की। अगर आप फ्लिपकार्ट का ऐप भी यूज करेंगे तो सेम इसी तरह का वहां पे भी दिखेगा,
ठीक है। इसका यहाँ पे अपना जो भी ग्राम है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद यहाँ पे अपना ऐड टू कार्ट कर सकते हैं या फिर बाय नाउ का ऑप्शन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऐड टू कार्ट का क्लिक करेंगे, ऐड टू कार्ट आ जाएगा या आपका चेकआउट पे आ गया। चेकआउट पे आगे सेम वही प्रोसेस है जो आपके वहां पे वेबसाइट पे था, जिसका पेज व्यूज है बड़ा अच्छा और खूबसूरत सा दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं हम ऊपर सर्च बार की, तो सर्च बार बड़ा अच्छा है, खूबसूरत सा सर्च बार है। आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें आप दो तीन वर्ड सर्च करें आपको यहाँ मिल जाएगा। हाँ, अगर आपको एग्जैक्ट सर्च लगाना हो तो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। ये तो रही बात किसके रिव्यू की, कि आपको ये रिव्यू किस तरह का लगा नहीं लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। तो जी हाँ दोस्तों, आप अगर इस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो हमसे बिल्कुल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह की खूबसूरत सी वेबसाइट, चाहे मल्टी वेंडर हो, सिंगल वेंडर हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस तरह की वेबसाइट बनाना चाहे बना सकते हैं। बात कर लेते अगर इसके बजट की, तो बजट अगर आप स्टूडेंट है तो आपके स्पेशल ऑफर है, सिर्फ अगर स्टूडेंट है तो स्पेशल ऑफर है 1 वीक तक के लिए, यानी आज संडे है, नेक्स्ट संडे तक आपको 1 वीक तक के लिए आपके स्पेशल ऑफर है कि 9,999 में आपको मिल जाएगा, इंक्लूडिंग डोमेन होस्टिंग वेबसाइट सारी चीजें। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपका नाम जॉबलेस है तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो उसमें का हम आपको 9,999 इस तरह की वेबसाइट, सिंगल वेंडर वेबसाइट हम आपको बनाकर देंगे। ठीक है, इस तरह की बात करना अगर मल्टी वेंडर की, और अगर आप नॉर्मल है, बिजनेसमैन है, तो आपको इसमें जाएगा टोटल कॉस्ट 20,000। जी हाँ, अगर आप सिंगल वेंडर बनाना चाहते हैं तो इंक्लूडिंग डोमेन होस्टिंग सारी चीजों का आपको जाएगा, डिजाइनिंग का सारी चीजों का आपको जाएगा 20,000। स्टूडेंट के लिए स्पेशल ऑफर है, 50% हम डिस्काउंट देंगे ओनली 1 वीक तक के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, ओनली 1 वीक तक के लिए, और इसमें आपका वेबसाइट भी रहेगा, मोबाइल ऐप भी रहेगा, स्टूडेंट के लिए ओनली। ठीक है, और बात कर लेते हैं उसकी, जो लोकल लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, उनके लिए भी सेम वही चीज रहेगा, लेकिन उनके उनको जो है कि दोनों चीज सेम रहेगा, वेबसाइट भी रहेगा साथ साथ मोबाइल का एक ऐप भी रहेगा जो प्ले स्टोर में पब्लिश भी होगा, जैसे आपके यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो उनके लिए टोटल कॉस्ट जाएगा 20,000। ठीक, तो आप स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अगर इस लॉकडाउन के पीरियड में जहां पे पढ़ाई नहीं हो रही है, जहां पे कोई काम होना नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि अपने घर के हाथ बटाएं, अपने घर वालों का हाथ बटाएं, तो आप इसके यहाँ पे भी चीजें कर सकते हैं कि दिन में 2 घंटे 3 घंटे काम कर सकते हैं, सुबह के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक काम करें, शाम के 6 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करें, अगर आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्निंग भी करना चाहते हैं तब। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ज्यादा बेटर है कि आप पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करें, अगर आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको करें। ठीक है, ये अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हमसे जितना हो सकेगा, जिस तरह के हो सकेगा, हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, खुदा हाफिज़।